2, 1, drop it. नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हैं लहसुन की संपूर्ण खेती सफलता पूर्वक कैसे करें, क्या ध्यान देने वाली बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्लीज वीडियो को स्किप न करें। मिट्टी के भुरभुरे होने तक खेत को 2 से 3 बार जोताई करें। खेत को अच्छी तरह समतल करके क्यारियों और खालियों में बांट दें। लहसुन की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु इसके लिए जीवाशयुक्त उपजाऊ व जल निकास युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भारी चिकनी मिट्टी में कंद का आकार छोटा व खुदाई में कठिनाई होती है। ये पाला व लवणीयता को भी कुछ स्तर तक सहन कर सकती है। बुवाई के लिए उचित समय सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर का पहला सप्ताह माना जाता है। बुवाई करते वक्त कतार से कतार की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी लगभग 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज बोने के लिए भूमि को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा खोद लेना चाहिए। फसल की अच्छी उपज हेतु लहसुन को डबलिंग विधि से बोना चाहिए। बुवाई हाथों से या मशीन से की जा सकती है। लहसुन की गांठों को मिट्टी से ढककर हल्की सिंचाई करें। 225 से 250 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसे अपने सुविधा अनुसार खेत में लगा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम और लोग हैं तो आप अच्छे पैदावार के लिए मेड़ बनाकर लगा सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे आपका फसल समतल जमीन पर लगाए हुए लहसुन से अच्छा और अधिक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी रोग है जो कि उपज में कमी ला सकती है। तो पहला जो बहुत खतरनाक रोग है वो है पत्तियों का पीला हो जाना, और दूसरा है जड़ों का सड़ जाना, जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो हम बता दें कि बहुत से लोग अलग अलग कारण बताए होंगे इनके, लेकिन सबका मूल कारण है फंगस और कुछ माइक्रो तत्व। और यदि आपने सही समय पर दवा का स्प्रे कर दिया तो आपको अच्छी फसल उत्पादन मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का। इसके लिए आपको आपके क्षेत्र में जो कोई भी कवकनाशी मिले उसे टाइम से स्प्रे करते रहे, कोई रोग नहीं लगेगा। गोबर की खाद DAP एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 30-40 दिन बाद छिड़काव के साथ देनी चाहिए।